आपको किसी से मिलवाना है, एक्चुअली किसी को थैंक यू बोलना है। हाय डॉक्टर नायक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जो आपने पेंडेमिक में इतना कुछ किया है, हैट्स ऑफ टू यू सर। सर, जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको ड्यूटी करना है, तो आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? बेसिकली मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता, तो उनका रिएक्शन यही था कि बेटा नौकरी छोड़ और चल घर चलते हैं, हम लोग खेती करेंगे। तो काफी अपने आप में उनकी जो फिक्र थी वो मुझे मैं देख पा रहा था, लेकिन जो कि हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, ऐसे हेल्थ सिस्टम को छोड़ के और मैं उस कमी को बढ़ाना नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं मैंने स्टैंड लिया और मैं अपना काम कर पाया। बस प्रिकॉशन ये लेना था कि ये मुझसे किसी और तक ना पहुंचे। सब देखकर मैंने बस यही सोचा कि किसी भी तरह से घर से थोड़ा सा आइसोलेट हुआ जाए। उस टाइम पे आपने क्या करने का डिसीजन लिया सर? तो ना तो होटल्स मेरे पास ऑप्शन थे और ना ही कोई एक सिंगल रूम मेरे को एक्स्ट्रा रेंट पे देने पे तैयार था, कि ऑलरेडी मैं हॉस्पिटल या इतने इन्फेक्टिव एरिया में काम कर रहा हूँ, लोग भी काफी घबराए हुए थे। एक इवनिंग को मेरे बस थॉट आया कि कार इज द ओनली ऑप्शन आई हैव लेफ्ट विद। सो मैंने शाम को अपना सामान उठाया और कार में मैं शिफ्ट हो गया। कार में रहना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जो बॉडी में थकावट और जो दूसरी मेंटल स्ट्रेस गाड़ी में रहती थी, डर रहता था, वो ऐसा बना हुआ था और उसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव था नहीं। इतने जब भी किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो उनको किस टाइप से हैंडल करना चाहिए? बोलते ना, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ ईसीजी। अगर ईसीजी हमारा स्टेट हो जाएगा तो वी आर नो मोर। सो अप्स एंड डाउन ठीक है, हमें बस अपना रूटीन काम कंटिन्यूसली ईमानदारी से करना चाहिए, हर एक चैलेंज अपने आप पार हो जाएगा। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बस एक छोटा सा गेस्चर है जो हम करना चाहेंगे। ये आपकी नेम का जर्सी है। ओह, दैट्स ग्रेट। ये काफी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं आपके नेम का जर्सी पहन रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई नेवर थॉट दैट कि मेरा नाम भी कभी इस टाइप की जर्सी पे आ पाएगा। इंडिया इन्हें याद रखो, क्योंकि इन्होंने हमें याद दिलाया है, वी आर चैलेंजर्स एंड वी से चैलेंज एक्सेप्टेड।